जना सार न जना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी श्री वाहे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां दा शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है हो वै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 तुद जे वडना साइया चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना वडना साइया चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया मैं
परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं सीस झुका के फतेह बुलाओ प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई डिख नगर की संगत वालों साढ़े सत्कार योग बाबा करण दास जी उन्हां वालों संगतां दे सहयोग नाल भगवान श्री चंद्र जी महाराज की कृपा सदका संत बाबा देवादास जी संत बाबा श्यामदास जी की पवित्र याद नूं समर्पित हर साल की तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का वो टासरा तकदिया होया श्री अखंड पाठ अमृतमई बाणी दे प्रकाश करवाए सत्कार जो गुरु के वजीर ग्रंथी सिंह साहिबाना ने बड़े अदब सत्कार दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी दे जाप किते। कुछ समा पहला भोग पए हन जिन्ना क समा सतगुर कृपा करदे है रल मिल करके आपां गुरबाणी गुर इतिहास नाल जुड़ के इन्हां जीवन दीयां अमोलक घड़ियां नूं सफल बनाउणा है। सो आओ प्यार सत्कार नाल गुरु चरणां विच हाजरी भरन दा यतन करिए अपने मन नूं एकाग्र करके एक मन एक चित हो के गुरु के बचनां नूं सुणांगे तां गुरमुख प्यारिओ साडा इह जीवन सफल जरूर हो जाणा। पातशाह दी रहमत हुंदी है जदों उदों ही गुरमुख हो सत्संग दीयां घड़ियां नसीब हुंदियां। हुणे हुणे आपां सतगुरु जी दे बचन पढ़े होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी। जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरु खसम दी मालक दी कृपा हुंदी है ता गुरमुखो सत्संग दी प्राप्ति हुंदी है। सत्संग विच आके जां कई गुरमुख घरां विच बह के इकल्ले बाणी पढ़दे ने जदों मालक दी सिफत हुंदी है ना गुरमुखो होवै सिफत खसम दी सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु की महिमा उस तत वड्याई होवे ता उदों फिर की हुंदा है आकाश विचों ईश्वरी मंडल वाहिगुरु परमात्मा दे वल्लों बख्शिशां दी झड़ी लगदी है नूर वरद है होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी दे दर्शन करके ता जन्मां जन्मांतरां दे दुख कट्टे जांदे। ये बचन जिन्हां ने लिखिया गुरमुखो उन्हां ने प्रतख देखे है। हुण जिहड़ियां कथा कहानियां गुरु का इतिहास आपां पढ़दे सुणदे आ सांझा कीता जांदा है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਔਰ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਦੂ ਬੋਲੋਂ ਹੱਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰ ਹੋ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਵੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਵਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਲ ਬੇਤਾਲ ਸੁਰ ਬੇਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਪਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ,
ते कीर्तन एक ऐसी चीज़ है, महाराज कहिंदे परम आनंद प्राप्त हुंदा है, महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। कीर्तन नूं तां एड्डी वड्डी दात महाराज ने बख्शी है, वर दित्ते ने। ते प्यारिओ कीर्तनीए होण करके गुरु अर्जन देव साहिब इन्हां दे गए घर, पर इन्हां ने गुरु जी नूं भी जवाब देता, कहिंदे असीं नहीं आउणा, जी तो मर्जी कीर्तन करा लो। जे साडा मरदाना कीर्तन करदा सी तां दुनिया गुरु नानक नूं गुरु मनदी सी, कहिंदे इत्थों तक भी गल कहती। फिर गुरु अर्जन देव साहिब कहिंदे भाई तुसीं हुण फिट गए हो, कोई भी इन्हां दी सिफारिश लै के ना आवे, जिहड़ा सिफारिश लै के आऊ मूँह काला करके खोते ते चढ़ा के गेड़ा देंगे। देखो बेमुखता का फल। उदू बाद बस फिर कीर्तन की दात गुरु अर्जन देव महाराज ने साडे वर्गे गरीब सिखां दी झोली पाती। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां ने वचन किया, कहिंदे अज तो बाद साडे सिख कीर्तन करिया करनगे। सेवा मिल गई, कीर्तन गुरु अर्जन देव जी ने आप किया, ऐसा रस बनिया जिहड़ा पहला कदे बनिया ही नहीं सी गुरमुख। इधर तो सेवा चल पी, तो दूजे पासे सत्ता ते बलवंड बुला पतला जहे जा होया, ब्याह भी उन्होंने कर लिया पर कोड़ चल गया गुरमुख, बेमुख हो गए सी ना गुरु तो। गुरुआं दी निंदिया दा फल ये मिलिया, कोड़ चल गया, दुखी होण पिंडे च पाक पै गई बिलकण। ते उस वेले कोई इन्हां दी बाह नहीं सी फड़दा गुरमुख, जिन्हों भी कहा करन के गुरु जी दे कोलो सानू बख्शा दो, वो कहा करे सच्चे पातशाह साडा मूँह काला करके खोते ते चढ़ाउणगे, असी थोड़ी क्यों सिफारिश करिए, कोई ना आया करे। फिर लाहौर दे रहन वाले भाई लद्दा जी होए ने, जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव जी ने आप कहा सी भाई लद्दा पर उपकारी। जदों भाई लद्दा जी कोले दोवें गए कि गुरु जी ते कोलों सानू बख्शा दिओ, फिर उन्होंने आप ही मूँह काला कीता, गधे ते चढ़े, तमाशगिरी मंगर लाले, ढोल बजाउंदे होए मैले कुचैले कपड़े पा के अमृतसर आए सी गुरमुख। इतिहास तो लंबा है, पर मैं बेनती होर करनी है, इनू समझ लियो बस। जदों ढोल बजदा आया तो उस वेले गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे वेखो भाई आ की रौला पै रहा है। तो सिख गए, उन्होंने फिर आके दस्या सी महाराज भाई लद्दा जी आ रहे हैं लाहौर वाले, तो उन्होंने मंगर सत्ता ते बलवंड जेड़े कोड़ी सी वह भी आ रहे हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज आसन तो उठ के खड़े हो गए, भाई लद्दा जी आके लगे मत्था टेकन। महाराज ने बाहां तो फड़ के गलवकड़ी च लै लिया, कहिंदे भाई साहब जी थानू खोते ते चढ़न दी की लोड़ पई सी, तुसी भजन बंदगी वाले रंगी हुई रूह हो, की लोड़ सी मूँह काला करन दी। कहिंदे पातशाह ये थोड़ा वचन सी, असी पहला थोड़ा वचन पूरा कीता, आखो सतनाम, तुहाडा वचन करता पूरा, हुण बेनती है ये अनजान भुल्लड़ गलती कर बैठे इन्हां नूं बख्श दिओ। गुरु अर्जन देव साहिब कहिंदे मैं बख्शन वाला कौन आ, जिहड़े मूँह दे नाल वड्डे गुरुआं दी इन्हां ने निंदिया कीती, उसे मूँह नाल जदों वड्डे गुरुआं दी वड्याई करनगे ये बख्शे जाणगे। फिर भाई सत्ता ते बलवंड ने गुरु जी दे कोलों खिमा मंगी, दोबारा कीर्तन शुरू कीता सी। ये फिर उन्होंने आ वार लिखी सी जिहड़े बचन आपां सांझे कीते आ, होवै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह झट्टी है, तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। फिर खिमा मंगदे कहिंदे सी सच जे गुर फरमाया क्यों एदू बोलों हटी है। कहिंदे गुरुदेव जी ने जिहड़ा सच्चा बचन किया आपां नूं चाहीदा उहनूं कमाईए, जे असीं भी कमा लैंदे साडा आ हाल ना हुंदा। कहिंदे इह होया क्यों, पुत्तरी कौल ना पालिओ कर पीर उह कन्न मुरट्टी है। कहिंदे असीं अपनी पुत्तरी दे विआह करके मोह जाल च फस गए, जिहदे करके असीं गुरू जी दा कीता होया बचन कमा ना सके, असीं गुरू तों हो गए बेमुख कर पीरों कन्न मुरटी है।
कहिंदे असीं बेपरवाहे हो के गुरु जी दे बचन ना मन्ने तां साडा आ हाल होया। दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाए नछट्टी है। कहिंदे असीं खोटे दिलां वाले बागी हो के पापां दियां पंडा सिर ते बन्नदे रहे ते सच्चे पातशाह हुण किरपा कर दिओ सानू बख्श दिओ। आखो सतनाम आ भाव सी गुरमुख प्यारे। सो हुण बेनती आप जी नूं इह कर रिहा कि भावें कलयुग का समा चलता है पर आपां वड्डे भागां वाले हाँ जिन्हां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे बचन सुणन नूं मिलदे है ते बचन भी गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़े करने है ना किसी का डर ना किसी नाल वैर हमेशा सच ही कहना है। ते आपां जदों भी समा मिले वध तो वध गुरबाणी का जाप करना है भाई, क्योंकि जिहड़ी गुरु की बाणी है इहनूं महाराज ने बहुत वड्डा दर्जा दिता। धन गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार दिहाड़े दे आ दिन चल रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज कत्तक की पूर्णमासी 1469 ईस्वी के कलयुगी जीवा नूं तारन वास्ते संसार विच आए। आप नारायण कला धार जग मह परवरियो ते सच्चे पातशाह ने ऐसी खेड वरताई गुरमुख प्यारियो सड़दे बल दे संसार नूं शांति बख्शी। सतनाम दा जाप जपाया सी, सतनाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। सतनाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। सतनाम वाला बाबे तारी सारी बाबे तारी सारी दुनिया। सत बाबे तारी सारी दुनिया, प्यारे जी बाबे तारी सारी दुनिया। सतनाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी, सतनाम वाला मंत्र जपा के सतनाम वाला जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। सतनाम वाला मंत्र बाबे तारी सारी दुनिया। धन गुरु नानक दे महाराज जी ने सच्चे नाम दा जाप जपाया। आखो सतनाम। गुरु नानक दे महाराज ने सड़दी वल दी लुकाई नूं शांति बख्शी, भुल्लिआं नूं राह पाया गुरमुख प्यारे। जदों सुमेर पर्वत ते सिद्धा नाथा नूं मिले गुरमुख, उस वेले सिद्धा ने पुछिआ सी कि ऐ बालक, क्योंकि वह सिद्ध नाथ जोगी सी ना जिहड़े, वह तां बहुत लंबी उम्र वाले हुंदे सी गुरमुख, बहुत लंबियां लंबियां उमरां वाले, ते गुरु नानक पातशाह उन्हां मूहरे एक बच्चे ही लगदे सी। अजे सुमेर पर्वत ते जदों गुरु नानक दे महाराज पहुँचे ते सिद्धनाथ जोगी कहण लगे, असीं तां बहुत भगती कीती, रिधियां सिधियां प्राप्त कीतियां, शरीर नूं प्राणायाम कर करके
ऐसी स्थिति विच लियांदा ना सानू भुख लगे ना सानू ठंड दा दुख ना सानू गर्मी दा दुख जल धारे भी करदे आ धुइयां भी तापदे आ तेरे कोले ऐसी केड़ी शक्ति है जिदे करके नानक सुमेर पर्वत ते तुसी पहुँचे वह भी उत्थे जिथे साथों बिना कोई होर नहीं पुज सकता। तेरा गुरु कौन है? तो गुरु नानक पातशाह ने पहला दसिया कहिंदे भाई हाँ जपिया परमेशरो कहिंदे असी तां अकाल पुरख वाहिगुरु परमेशर की बंदगी कीती है उहदे करके असी भी इत्थे आ गए। आखो सतनाम। कहिंदे दसो तो सही किहड़ा थोड़ा गुरु है? कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। नानक केड़ा तेरा गुरु इस समय किस धर्म की हकूमत है किदे तुसी चेले हो? कवन कथाले रहो निराले बोला नानक सुनो तुम वाले। ये उन्हां दी गलबात लिखी है। कहिंदे केड़ा गुरु है जिहदे कोलों तुसी मत लई किहदे मरीद हो? किहड़े धर्म की तुसी वार्ता करदे हो? सानू भी विचार के दसो। ते धन गुरु नानक दे महाराज उन्हां नाल बचन बिलास करदे होए फिर कहन लगे पवन आरंभ सतगुर मत वेला। गुरु जी ने जवाब दिता कहिंदे स्वास जीवन का मूल ने। मेरा जिहड़ा जीवन है ये स्वासा करके चलदा है। आखो सतनाम। तुहानूं भी पता ही है भावें धर्म कर लो भावें पाप कर लो अमीर हो गरीब हो जिड्डा मर्जी बलवान है कोई जिद्दे स्वास चलने बंद हो गए शरीर नहीं चल सकता। गुरु तां महाराज ने कहा पवन आरंभ सतगुर मत वेला। कहिंदे इस वेले गुरां दे धर्म की हकूमत का समय है। हुण जिहड़ा समय है ना गुरुआं दे बचन कमाउण दा भाई इस करके भला होना है। कहिंदे चंगा जी दसो फिर थोड़ा गुरु कौन है? पातशाह कहिंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहिंदे मेरा गुरु है सिमरन शब्द जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु वल्लों मिलिया ते असीं शब्द नूं प्यार करदे हां। गुरु नानक जी ने भी अपना गुरु शब्द नूं दस्सिया ते आपां नूं भी गुरबाणी रूपी शब्द नाल ही जोड़िया। आखो सतनाम। किसे गुरु ने यह नहीं सी कहा भी साढ़े शरीर नाल जुड़ जाओ भाई। देखो गुरु नानक पातशाह ने जदों भाई लहना जी नूं गुरता गद्दी बख्श दित्ती गुरु अंगद देव बनाते कई दिन महाराज गुरु नानक साहब शरीर करके रहे आप भी फिर मत्था गुरु अंगद देव जी नूं टेकदे रहे। गुरु अमरदास जी वेले भी इदां ही होया सी। भाई जेठा जी नूं गुरता गद्दी दे के गुरु रामदास बनाता ते सारियां सिख संगतां नूं कहा आओ भाई आपां इन्हां नूं नमस्कार करिए। इदां ही चलदा रहा गुरमुखो शरीर दूजे दे विच जदों गुरता गद्दी गुरु की जोत प्रवेश कर जांदी पहला शरीर फिर गुरु जोत जिथे हुंदी उहनूं नमस्कार करदा सी ते लास्ट विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यही कीता। हजूर साहब की पावन धरती धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी दे के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भी पंज पैसे एक नारी अल मूहरे रख के गुरु ग्रंथ साहब नूं ही नमस्कार कीती। आखो सतनाम। ते नाले बचन कहे सी उत्थे गोज पोथी हजूर साहब पई आ कदे कदे उह दर्शन करवाए जांदे उहदे विच बचन लिखे होए आ बकायदा क्योंकि गुरु जी ने तो उदू बाद फिर सचखंड प्याना कीता श्री छड़ता जिहड़े सिख सेवक सीगे उन्होंने बचन लिखाए। आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ। महाराज कहिंदे अकाल पुरख की आग्या होई सी तां इह पंथ चलिया गुरु नानक वेले तो सिख धर्म के मोढ़ी गुरु नानक पातशाह अकाल पुरख की आग्या नाल इह पंथ चलिया। ते हुण सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कहिंदे जेड़े भी गुरु दे सिख ने ना भाई सारिआं नूं बचन है कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना गुरु मनना है। ये हुक्म है गुरु। देखो हिंदू अपने धर्म च पक्का चंगी गल है मुसलमान अपने धर्म च पक्के रहन चंगी गल है। हाँ उन्हां दी मर्जी है जे मन मनदा है वो सिख धर्म नूं अपना सकदे ने पर सिखां वास्ते तां
पक्का हुक्म महाराज ने किया, कहिंदे तुहाडा होर नहीं कोई गुरु हो सकता, तुहाडे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। तो वडियाई ऐसी बख्शी, गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ कौ मिल बोच है खोज शब्द मह लेह। जे परमात्मा नू भी मिलना चाहुंदा है तो जेड़े शब्द बारे गुरु नानक साहब कहिंदे मेरा शब्द गुरु है, तो आपां भी उही शब्द सारे बख्शते, इन्हां शब्दां दी खोज कर। मन तू जोत सरूप है अपना मूल पछाण, गुरबाणी दे कहे अनुसार जीवन ज्यों लै तैनू रब दी प्राप्ति होजू। आखो सतनाम। सो सानू भाई चाहीदा है करिए बाणी दा सत्कार, बाणी रूप गुरुआं दा, करिए बाणी दा सत्कार, बाणी रूप गुरुआं दा, बाणी रूप गुरुआं दा, रूप गुरुआं दा, करिए बाणी दा सत्कार, बाणी रूप गुरुआं दा, करिए बाणी दा सत्कार, बाणी रूप गुरुआं दा, बाणी रूप गुरुआं दा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी का आपां सत्कार करना है, क्योंकि बाणी गुरुआं दा रूप है। आखो सतनाम। सो लड़ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आपां लगना भाई, सच्चे पातशाह की कृपा है, वड्डे भागां वाले हो जिन्हां जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन हो रहे हैं, जिहड़े बाणी नाल जुड़ गए ते बाणी उहनां नूं फिर सचखंड दे वासी बनाउंदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले एक कथा आउंदी है, कहिंदे नारद मुनि जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन करन आए, पंज खंभ गुरु जी नूं भेटा करते, मेरे पातशाह दे नाल बचन बिलास कीते नारद मुनि जी तां चले गए, ते जिहड़े पंज खंभ भेटा कीते सी ओह गुरमुख प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कोल रख ले, ते सिख गुरु जी नूं कहन लगे सिंह पातशाह नारद मुनि जी मिलन आए, ते भेटा थोनू की दित्ती है खंभ। पातशाह कहिंदे भाई जिहड़ा भी कोई शरदा नाल भेटा लैके आउंदा इस दर ते तां प्रवान है, ये खंभ एवें नहीं दे के गए, इहदे नाल थोनू एक रमज समझावांगे। आखो सतनाम। दसो महाराज फिर की हुक्म है। सतगुरु जी ने उन्हां खंभां नाल तीर बन्नते, गुरमुख सिंघां नूं कहता भी घोड़े लै जाओ, छेती छेती दूर दूर जाके खड़ जाओ, असीं इह तीर चलावांगे, जिथे जाके तीर डिगण तुसीं चक के लियाउणे। सिंह महाराज का हुक्म मन के चले गए, दूर दराडे खलो गए जाके, तो उस वेले प्यारे हो मेरे सतगुर ने पंज तीर चलाए। फिर वो तीर उपर नूं जांदे तां दिसे पर हेठां आउंदे नहीं देखे किसे। किन्ना समा जिहड़े सिंह गए सी तीरां नूं लभण वास्ते वो खलोते रहे, काफ़ी समय बाद वापस आए ते सतगुरु जी नूं कहिंदे महाराज तीर उपर जांदे तां दिसे ने पर वापस नहीं आए, गए किधर? पातशाह कहिंदे भाई ये तां थोनू समझाउणा सी, ये जिहड़े तीर सी ना ये आपां खंभां नाल बन्ने, ते खंभ सी हमाऊं पंछी दे,
जेड़ा हर वेले आकाश च ही उड़दा रहिंदा आखो सतनाम। अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरमुख प्यारे हो 84 लाख जूना साजियां, आपां तां वध तों वध 5-7 नूं ही जाणदे होवांगे भी मनुख है जी, पशु है, शेर है, चीता है, बघियाड़ है, वध तों वध कोई 5-7 हज़ार बारे जाणदा होगा। 84 लाख जून बारे जानना बहुत औखा है। तो मैं ऐसियां ऐसियां खेडां वरताइयां है, महाराज कहिंदे ये हमाऊं पंछी दे खंभ सी ते ओ ऐसा पंछी है जिहड़ा हर वेले आकाश विच ही उड़दा रहिंदा है। तो ये तीरां नाल जिहड़े खंभ बन्ने सी तीरां नूं भी आकाश विच ही लै गए, अपने देश लै गए। सिखो हुण समझ लियो जिहड़ी आ बाणी गुरु नानक पातशाह तों लैके हुण तक आपां नूं मिली है ना, ये बाणी सचखंड विचों आई है। आखो सतनाम। ये बाणी नाल भी जेड़ा जुड़ जूगा गुरबाणी भी उन्हों सचखंड लै जूगा। आखो सतनाम। संत बाबा अनूप सिंह जी महापुरश संगत विच आए ने, जी आया नू महापुरशा ने दर्शन दिते, बाबा सतनाम सिंह जी भी आए, उन्होंने भी जी आया नू बहुत बहुत धन्यवाद। संगत नाल मोह प्रेम है, बाकी डिख नगर की संगत भी भाई शरदा वाली है। पहला भाई भगतू जी इस नगर नू भाग ला गए, बीबी वीरो का पावन स्थान है जिथे उन्होंने चरण पाए। फिर छन्ना वाले महापुरख संत बाबा कृपाल सिंह जी संगत की शरदा वेख के इत्थे आए, फिर उन्होंने बचना नाल गुरु तेग बहादुर महाराज जी का स्थान प्रगट किया। आखो सतनाम। पहला भाई भगतू जी नवाज गए इस नगर नू, फिर गुरु तेग बहादुर महाराज चरण पा गए। सारा परिवार माता गुजर कौर जी होनी जिन्हें सिख सेवक सब नाल ही सी जदों आए ने गुरमुख, पूर्व देश की यात्रा वेले सब नाल सी परिवार। सो महाराज की कृपा भागां वाला नगर है, समय समय ते किसी ना किसी बहाने रंगियां हुई रूहां इस नगर विच पहुँच दियां ने गुरमुखो। पर सारयां दी जो राय विचार बेनती संगत नूं हुंदी है, क्योंकि संगत वड्डी है, यही हुंदी है कि भाई गुरु वाले बनो, नशे पत्ते छड्डो, निंदा चुगली छड्डो, गुरबाणी दे धारनी होवो, अमृत छको सिंह सजो, इसे विच ही साडा पल है। ते आओ जो गुरु नानक साहब जी दे जीवन विचों कुछ कु विचार आपां करिए, फिर महापुरखां दा समय, क्योंकि दास ने अगे भी प्रोग्राम ते जाना है। सो धन गुरु नानक देव महाराज, कपूरथला जिले दा नगर पैंदा गुरमुखो सुल्तानपुर लोधी, ये तहसील है सुल्तानपुर। किसे समय बुद्ध धर्म का उत्थे ज़्यादा बोलबाला हुंदा सी, उदों बाद मुहम्मद गजनवी ने आके ये नगर नू अग लाती सी गुरमुख। पहला नाम सी इहदा सर्वमानपुर, सारा नगर साड़ दिता। फिर पंजाब दे हाकम दा सुल्तान बादशाह जदों उत्थे गया उन्हें दोबारा ये नगर वसाया सी, क्योंकि रावी दे किनारे होए वसया होया सी। ते इत्थे फिर दोबारा रौनकां बज गईयां, नगर वस गया। चलो इतिहास तां लंबा है, पर समय मुताबक मैं गुरु नानक जी बारे कुछ बेनतियां करनी है। धन गुरु नानक दे महाराज जी की भैण भैण नानकी उत्थे व्याही होई सी गुरमुख भाई जय राम जी नूं, उदों नवाब दौलत खां उत्थे राज करदा हुंदा सी। ते भैण नानकी ने एक बार की देखिया कि गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपयां का लंगर साधु संतां नूं छकाता सी। जदों सच्चा सौदा कीता सिख धर्म के लंगर उत्थों ही शुरू होए ने, उदों बहलोली दिनार चलते होंगे, 20 दिनार दिते सी पिता जी ने। वह साधुआं की मंडली बैठी वेख के गुरु नानक जी ने रस्त बस्त लियांदी, ते मंडली दे नाल जिहड़े भंडारी सी उह लग गए, ते भंडारा तैयार कर लिया गुरमुख, सच्चा सौदा कीता। जदों आए घर, आप जी नूं पता इतिहास सुनते रहने हो, पिता जी ने गुस्से विच आके गुरु नानक जी नूं कुट्टिया, गुरमुख चपेड़ा मारियां। जिहड़े मापे है गृहस्थी बैठे हो, हर कोई चाहुंदा हुंदा मेरे बच्चे नलायक ना रह जाण, मेरे बच्चे घर लटाऊ ना रह जाण, ये पढ़ लिख के चंगे इंसान बनन। ते मापे प्यार भी करदे है, झिड़कदे भी है गुरमुख प्यारिओ, ते कमाइयां भी दिन रात धीआं पुत्तरां दी खातरी करदे हो, भज्जे फिरदे हो, तुसीं भी गृहस्थी हो। जिवें भी हुंदा अपने बच्चियां नूं संभालो भाई,
ते जिथे पढ़ाउने हो लिखाउने हो उत्थे नाल नाल धर्म बारे भी जानकारी जरूर दिया करो, क्योंकि जिहड़ी धर्म की सिख्या है इहदे नाल जीवन उचाइयां वल जांदा, गुरमुख उच्चा सुच्चा हुंदा है। ते स्कूलां कालजां दी विद्या सिर्फ कारोबार जां नौकरियां तक रहेगी, जिन्ना चिर थोड़ी सोच यह रहेगी ना भी बच्चे पढ़ के किसी नौकरी लग जान उन्ना चिर तां नौकरी पैदा होनी है। कदे मालक बनन बारे भी सोचिया करो, जिहड़ा भजन पाठ करना सेवा सिमरन करना है ये सानू मालक बनाउंदा है। आखो सतनाम। हुण गुरु नानक साहब के पिता जी कल्याण दास जी नूं मैता कहा जाता है, पटवारी नूं फारसी विच मैता कहिंदे। उन्होंने गुरु नानक जी नूं मारिया कुटिया भी 20 रुपए दिते सी ते साधुआं नूं लंगर छका के आ गया। उदों भैण नानकी ने फिर बचन किया सी, कहिंदी पुत्रा वाहिगुरु गुरु नानक जी नूं बुक्कल विच लै के पिता नूं कहा सी, पिता जी तुसीं इहनूं पछाण नहीं सके, ये कल्ला तुहाडा पुत्तर नहीं है, कल्ला मेरा वीर नहीं है, कल संसार का कल्याण करन वास्ते कल्याण दास दे घरे आप निरंकार आया। आखो सतनाम। नाले तां रोई जावे, नाले अपने वीर नानक नूं बुक्कल विच लै के भैण नानकी ने कहा सी, ना मार बाबला वे वीर दे मुखड़े उत्ते चपेड़ा, ना मार बाबला वे वीर दे मुखड़े उत्ते चपेड़ा, वीर दे मुखड़े उत्ते वीर दे मुखड़े उत्ते चपेड़ा, ना मार हुबकी रो पई है वीर नू छाती नाल लगा के, तैनू की मिल गया वे बाबला ऐडा कहर कमा के, तैनू कोई समझ नहीं करदा मैला विच तरेड़ा, ना मार बाबला वे वीर दे मुखड़े उते चपेड़ा, ना मार बाबला मुखड़े उते चपेड़ा, कहिंदी इहनू सहुरी लै जूंगी घर विच बहि जी शुकर मना के, रोटी फिर खाऊंगी पहलां तेरी रकम चुका के। कहिंदी इहनू मैं नाल लै जूं सहुरी, इन्ना प्यार सी भैन भरावां दा, व्याही सी सुल्तानपुर फिर अपने वीर नानक नूं नाल ही लै गई। 14 साल 9 महीने 13 दिन का समा गुरु नानक साहब ने सुल्तानपुर की धरती ते बतीत किया। उत्थे गुरमुख प्यारे मोदी खान ने नौकरी भी की, गुरद्वारा हट साहब जिथे मेरे पातशाह ने 13-13 तोलिया गुरमुख, वो वटे वो माया हुण भी है जिहनूं गुरु नानक पातशाह दे पवित्र हस्त लगे। गुरमुख प्यारिओ ख्याल करना, उत्थे रहिंदिआं होइआं ही भाई जय राम जी ने फिर सलाह मशवरा करके परिवार दे नाल गुरु नानक साहब जी दी सुलखणी जी दे नाल शादी करवाई। धन माता सुलखणी जी गुरु नानक पातशाह दी धर्म सुपत्नी बटाले नगर व्याहे सी महाराज, परिवार ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ 8 ਸਤੰਬਰ 1494 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹੇ। ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ
परिवारक फर्ज भी निभाने ते रोज़ दा नेम सी दो ढाई बजे उठ के बेई नदी ते चले जाना जिथे गुरुद्वारा बेर साहब बनिया उत्थे जाके इशनान करना भजन पाठ करना पिछों राय भोए की तलवंडी तो जिन्हों हुण ननकाणा साहब कहने भाई मरदाना जी महाराज के बचपन के मित्र सी वह भी आ गए सी रोज़ गुरमुख प्यारियों फिर कीर्तन हुंदा मलसियां पिंड का एक नंबरदार सी रोज़ दातन लियाया करे महाराज वास्ते। एक दिन मौसम बदलवाई दा ते किकर दी जगह दातन के ते बेरी दी लै आया महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नंबरदारा अज दातन दा रस कुछ होर है। कहिंदा पता नहीं पातशाह दातन तां मैं रोज़ उत्थों ही लिआउणा इशनान कर लिया नितनेम बाणी कीर्तन कथा सब काम कर लिया जदों दिन चढ़ गए पता लग्या फिर नंबरदार कहिंदा महाराज गलती हो गई अज किकर दी थां ते दातन किते बेरी दी आ गई मैथों। महाराज कहिंदे नंबरदारा ये तां तेरी मेरी याद सदा वास्ते कायम रहू आखो सतनाम। वो दातन गड्डी सी हुण जिहड़ी बेरी बेर साहब कहाउंदी है गुरमुख वो बेर साहब बेरी गुरु नानक महाराज ने अपने हत्थी लाई होई है गड के दातन कहिंदे याद रहूगी गुरुद्वारे दा नाम भी गुरुद्वारा बेर साहब रोज़ उत्थे जाना। एक दिन गुरमुख प्यारियो नदी विच इशनान करन वास्ते वस्त्र उतार के जदों सतगुर ने मारी ना छाल पांच दस भी मिनट अद्धा घंटा घंटा लंघ गया बाहर ही ना आए। भाई मरदाना जी वर्गे नाल जिहड़े होर सिख सेवक हुंदे सी उन्हां नूं फिक्र पै गया की गल हो गई वेई नदी च महाराज ने चुब्भा लाया अगे पंज सत्त मिनटां बाद बाहर आ जांदे ते कदे कदे वेई दे जल विच ही खड़े सिर बाहर कढ लैणा उत्थे ही भजन करदे रहिंदे सी गुरमुख ते अज की गल बाहर नहीं आए लभ्या लभे ना घंटा क देख के फिर भज के गया परिवार भैन नानकी जी दे घर जाके भाई मरदाना जी ते होर सारे कहिंदे भैणे छेती दरवाजा खोलो वो कहिंदी की हो गया हंबले का तो पए हो कहिंदे भैणे जी नूं रब दा रूप समझदी सी अपना नानक नदी च डुब गया आखो सतनाम। गया सी नदी च करन इशनान नहीं एवें ही विचारे ने गवाली जान मारी छाल उत्थे जिथे डूंगा नीर नहीं डुब गया नदी च भैने तेरा वीर नहीं चल चलीए भैन नानकी ने कहा डुब्या नहीं होना जे किते गया है तां डुब्या नूं तारन गया होऊ आखो सतनाम। विश्वास भी सी पर प्यार भी सच्चा सी फिक्र पै गया भज के गया परिवार दो दिन लभदे रहे गुरमुख सके संबंधी रिश्तेदार जिन्हों जिन्हों पता लग्या सब आ गए महाराज लभे ना ते तीजे दिन एक पंडित राम राम कहिंदे होए बाहर जा रहे सी गुरमुख ते जिथे गुरुद्वारा संत घाट साहब बनिया ना उथे मेरे सतगुर नूं बैठे देखिया ते मुड़ के आके भैन नानकी दे घरे सुनेहा लाता कहिंदे भाई जय राम जी जिहड़ा तुहाडा रिश्तेदार डुब गया सी तुसीं लभदे फिरदे सी उह शमशान घाट विच बैठा जिथे हुण गुरुद्वारा संत घाट है ना उथे उदों सिवे हुंदे सी गुरमुख बेर साहब तो महाराज ने चुब्भी लाई तीन किलोमीटर अगे जाके संत घाट ते प्रगट होए सी। तीजे दिन जदों परिवार गया उथे सारा सारिआं ने बुला लिया महाराज बोले नहीं सी गुरमुख उस वेले इको ही बचन कहा सी लो सारे बोलियो महाराज ने उत्थे मूल मंत्र उचारण किया सुल्तानपुर की धरती एक ऐसी धरती है जिदे राही बाणी का मुढ़ वजिया गुरमुख भावें कि आप पढ़ते हाँ जो पांधे को पट्टी लिखी इको ओंकार तो उदों भी लिखता ससा सोए सृष्टि जिन साजी बाणी पहला भी लिखी सी पढ़न वेले पर मूल मंत्र उत्थे संपूर्ण किया सारे बुलाउण भी नानक कित्थे चले गया सी दस भाई क्योंकि परिवार तो बच्चा ही हुंदा ना एक भी याद रखियो सहुरे नानके दादके बाली ये सतपुरखां तो कोई खास लाहा नहीं लै सकते हुंदे इन्हां नूं ऐ हुंदा भी साडा ही है इत्थे भी हुण परिवार सारा बुलावे महाराज बोलन किसे नाल ना
इको ही गल कही जान, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप, इहदा जाप करी जान। ते अगे फिर हुण आपां जिहड़ा जाप करना है वह अगे भी करना है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इत्थों तक संपूर्ण मूल मंत्र जपया करो जदों भी जपना। महाराज मूल मंत्र उचारी जान, सारिया ने बुला लिया नाम बोले, फिर लास्ट ते भाई मरदाना जी कहिंदे भैण नानकी जे ने अपने नाल बोलना ही नहीं आपां रह के की करना है, मेरी फटा रबाब मैं तां जामा तलवंडी। महाराज सच्चे पातशाह फिर बोले सी, कहिंदे मरदानिया अज जा ना, कहिंदा जदों तुसीं किसी नाल गल ही नहीं करनी तीन दिन पता नहीं कित्थे चले गए, सानूं तां दुनिया दे ताने सुनने पए भी तुसीं कहिंदे सी रब दा रूप है निरंकार है, तां डुब गया थोड़ा रब दा रूप नदी च, ते सानूं पता सी की दुनिया तो सुनिया। महाराज ने फिर उस वेले दस्या सी, ते मित्रां दी दुनिया थोनू पता ऐसी है जिहड़ी गल आपां ना माँ कोले ना प्यो कोले ना भैण कोले ना भरा कोले कर सकीए वो मित्रां कोले जरूर करांगे। गुरु मरदाने दा ते गुरु नानक साहब दा सच्चा प्यार सी। सतगुर ने उत्थे कहा सी मरदाने आ तू जा ना, मरदाना जी कहिंदे महाराज थोड़े नाल मैथों निभिया नहीं जाना जे आही हाल रहा। सतगुर कहिंदे कोई गल नहीं जे तैथों ना निभाई गई मैं निभाऊंगा आखो सतनाम। उदों बाद किन्ने वारी भाई मरदाना जी फस जांदे सी, सतगुर उन्हूं बचाउण आप जांदे क्योंकि उत्थे बचन होया सी। कहिंदा जी फिर दसो गए कित्थे सी, उस वेले गुरु नानक साहब ने कहा सी मरदाने आ रुस के चले आ, तैनू गल दा नहीं पता अकाल पुरख दा सद्दा आया सी, मैनू सचखंड जाना पिया आखो सतनाम। मरदाने नू कहिंदे ने निक्की जेही गल ते नी रुस जाईदा, निक्की जेही गल ते नी रुस जाईदा, सदा आ गया सी पुरख अकाल दा, दस मेरे यारा ओनू किवें टालदा, बिच दरगाह दे मैनू सी बुलाई दा, मैनू सी बुलाई दा, निक्की जेही गल ते नी सतगुर कहिंदे अकाल पुरख दा सद्दा आया सी मैनू सचखंड जाना पिया। लो हुण समां भी इजाजत नहीं दिंदा, बस इक्को ही बेनती करके समाप्ति करांगा। आ जिहड़ा बाणा संत महापुरश पाउंदे ऐ इह सब तों पहलां जे सिख धर्म विच लियांदा तां गुरु नानक साहिब ने लियांदा आखो सतनाम। उदों फिर जदों सचखंड गए सी महाराज पंज चीज़ां लै के आए गुरु, चरणा विच पाउण वास्ते पौए जिहनूं खड़ावा भी कहिंदे हो, वैसे खड़ावा होर हुंदियां पौए होर हुंदे, पौए लै के आए सी, सहली टोपी ते एक भगवा बाणा एक पोथी गुरमुख, ये सचखंड विचों उदों लै के आए सी पातशाह। उही बाणा उत्थे पाया होया सी जदों शमशान घाट दे स्थान ते सजे सन गुरु नानक देव महाराज। ते प्यारिओ जे उस चोले दे तुसी दर्शन करने होण जिहड़ा सचखंड चों महाराज ने लियांदा सी, हुण भी चोला साहिब गुरद्वारा डेरा बाबा नानक विखे अज भी उह पिया आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ बाबा कावली जी लै के आए सी, बलख बुखारी पहुँच गया सी हौली हौली गुरु नानक साहिब तों गुरु अंगद देव कोले, गुरु अंगद देव तों गुरु अमरदास, गुरु अमरदास तों गुरमुख प्यारिओ गुरु रामदास तक, गुरु रामदास तों गुरु अर्जन देव साहिब तक गया सी उह चोला जिहड़ा सचखंड चों लियांदा सी। ते बलख बुखारी दा इक सेवक सी, उहदी सेवा तों महाराज बहुत खुश होए गुरु अर्जन देव, उहनूं कहिंदे कुछ मंग, उह कहिंदा वी जे देणा है फिर मैनूं उह चोला दिओ जिहड़ा गुरु नानक साहिब सचखंड चों लै के आए सी। प्रेम बस हो के गुरु अर्जन देव जी नूं फिर देना पिया,
जिन्ना चिरों तो सेवा संभाल होई कीती उदों बाद उन्हें एक पत्थरां दी गुफा विचों रखता सी। फिर गुरु नानक दी नौवीं पीढ़ी विचों बाबा काबली जी होए। उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू की बहुत भगती की, पता लग गया भी वह चोला दरगाही फलाने थान ते पिया है। फिर उत्थे गए सी, उत्थों जाके बाबा काबली जी लेके आए सी। हुण डेरा बाबा नानक पाकिस्तान और भारत की हद ते जिहड़ा बाबा श्री चंद्र जी ने नगर वसाया सी, उत्थे वह चोला हुण भी पिया गुरु। जरूर किते समा मिले जिंदगी च दर्शन करिया करो। लो मेरे वल्लों इत्थे ही समाप्ति है, क्योंकि महापुरशां ने बाद च समा लाउणा है। बाकी असीं अगे भाई प्रोग्राम ते जाणा है। बाबा जी ने बहुत फोन किए, कुछ तो प्रोग्राम ते बिजी रहीदा, कुछ फोन आउंदे ज़्यादा करके गल नहीं सी हो सकी, टाइम तो नहीं सी, पर समय चो समा कढ़ के इन्हां दे प्यार सदका, तुहाडे संगत दे प्यार सदका आउणा पिया। महाराज ने बाकी जिथे सेवा लैनी है लई लैनी हुंदी है बहाने नाल, पर फिर भी भाई मेरे वल्लों बोलदिया बहुत भुल्लां ही हो जांदियां, तुसीं भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी दे दिया करो। तो गुरु की जो कोई चंगी गल इतिहास की पल्ले पवे उहनूं जरूर पल्ले वढ़िया करो। हुण समा कलयुग दा है, सवेरे शाम मालक दा पाठ करिया, सवेरे भी शाम नूं भी वध तों वध भजन करो, तो अपने बच्चियां नूं भाई गुरबाणी नाल जोड़ो। कलयुग दे विच इह सब तों वड्डा पुन्न है, कल मैं इहो पुन्न गुण गोविंद गाहे। ते नाले जिन्हां ते महाराज की कृपा सत्संग भी चाहुंदे हो भाई, जिन्हां दे केस दाड़ियां नहीं रखे जरूर रखो, ये गुरु की मोहर ने। भागां वाला नगर है, इत्थे तां सतगुर चरण पा के गए ने, बच्चा बच्चा अमृतधारी होना चाहिए गुरु। किन्ने धर्म स्थान ने हर साल समागम हुंदे रहिंदे है। हुण भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी जोड़ मेला 8, 9, 10 दसंबर का आ रहा है। तो 9 ते 10 दसंबर नूं अपना भी महाराज ने समा बख्शे, असी कीर्तन की सेवा निभावांगे। वध तो वध संगत आयो, होर भी संत महापुरखां ने आउणा है। 11 दसंबर नूं गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत संचार हो रहा है। वध तो वध संगत अपना मन बनाओ, गुरु के जहाजे चढ़ो, कलगी धर दे पुत्र धीओ, अमृतधारी हो के जियो, अमृत छको सिंह सजो गुरु वाले बनो। इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो, भुल चुक दी खिमा सारी ही संगत दा, बाबा करणदास जी दा, होर भी जेडे महापुरख आए है नगर की पंचायत, नगर के पतवंते और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सबना दा ही कुटान कोट वार धनवाद। बुलाओ फतेह, पाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।